नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? और हर किसी के लिए बादाम खाना सेहतमंद नहीं होता। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें बादाम नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज की बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी सेहत का बहुत ही महत्व है। अच्छी सेहत के लिए आहार में पोषक तत्वों का शामिल करना बेहद जरूरी है। अक्सर बात जब पोषक तत्वों की हो तो लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बादाम का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां बादाम खाने के बड़े फायदे हैं, वहीं ज्यादा बादाम खाने के नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज इस वीडियो में कि एक दिन में कितने बादाम खाना सेहत के लिए सही है। अगर आप एक सामान्य जीवन शैली और सामान्य डाइट पर हैं, तो आपको एक दिन में 3 से 4 बादाम खाने चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत जैसे गर्म मौसम वाले देश में एक दिन में 3 से 4 बादाम खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, और अगर इसे भिगो कर खाएं तो यह लाभकारी होगा। रात में बादाम को गुनगुने पानी में भिगो कर रख दें और सुबह कर इसे खाएं। एक्सपर्ट्स की माने तो बादाम को खाने का सही तरीका यही है। ऐसा करने से सुबह यह नरम भी हो जाता है, जिससे चबाने में आसान व पचाने में दोनों में ही आसानी हो जाती है। बादाम की तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए इसे गर्मी में कम मात्रा में ही खाना चाहिए। गर्मी में ज्यादा बादाम खाने से हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे पर पिंपल की समस्या और पेट में गर्मी जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए गर्मी में जब भी बादाम खाएं, केवल भिगो कर खाएं और 3 से 4 बादाम ही खाएं, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।